स्कूल अगर एक टीम है, अगर आप ऐसा मान ले, तो आप लोग उसके प्लेयर्स है, आपका कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन के नतीजे में गोल हो सकता है। अगर सभी एक दूसरे से नाराज रहे तो गोल नहीं हो सकता है। अगर टीचर अगर एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो ये आपस में भी पता चल जाता है और बच्चे भी बहुत जल्दी इस चीज को भाव लेते हैं, याद रखिए। और ये चीज एकदम मारूफ थोड़े दिन में हो जाती है। पैशन होना चाहिए आपको टीच करने का, जॉब तो है ही, एक अलग चीज है, याद रखिए, लेकिन एक पैशन भी होता है। आप बाहर से आ रहे, छोटा सा किसी ने रैश मार दिया गाड़ी पर, डैश दे दिया आपको, और वो हालात स्टूडेंट पे चलकना शुरू हो गए, कभी भी हिम्मत होने दीजिए। आप जो आए वो स्कूल के बाहर, क्लास के बाहर उसको निकाल दीजिए। टीचर्स हमेशा ओपन माइंड रहे और हमेशा सीखने के लिए रेडी रहे। टीचर है, उसको अगर बच्चा स्कूल में देखता है और कभी वही बच्चा उसको दावत में देखे तो बोलता, कहा देखे इनको, टीचर है अपने, ये इतना डिफरेंस ऑफ लाइफ। स्टूडेंट जो आपके देखे बाद एक आ रहे हैं, हर बार उनका मिजाज, हालात, माहौल, बाहर जो मीडिया कल्चर और जो चीजें हो रही है उसका इम्पैक्ट वो लेकर आते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप अपडेट नहीं हुए तो फिर वो चीज़ चलने वाले नहीं है।